अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए सिविल व मिलिट्री हुकाम का तावन लायक तहसीन है। 36 घंटों में 3 किलोमीटर बंद बांधा गया। M8 पर रतो डेरो और फौजदार के दरमियान लैंड स्लाइडिंग हटा दी गई। बलोचिस्तान की आखिरी शाहरा को भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। दादू, मेहर, जोही और भान सईदाबाद में बारिश, शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट, मजबूती के लिए इकदाम जारी। सैलाबी रेला गांव अहमद खान जतोई हाफिज मीर मोहम्मद कलहोड़ पर थम गया। सखर में साले पट के करीब पानी के RD71 से नाले का पुल टूट गया। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, 24 घंटों में मजीद 8 अमवात की तस्दीक। 1 जून से अब तक जहां बहक अफराद की तादाद 278 हो गई। PDMA के मुताबिक झलमगसी में 6 मर्द और 2 खवातीन की अमवात हुई। वफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने वफाक को लिखे गए खत में मजीद काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। कामरान अली अफसल ने सूबे में सियासी बुनियादों पर तबादलों पर एतराज किया था। इस्लामाबाद में एक और शख्स डेंगू का शिकार, 5 रोज में अमवात की तादाद 3 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जईम जिया के मुताबिक मजीद 75 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हैं। रवां साल डेंगू से जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। 99 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9161 टेस्ट किए गए। वायरस के मस्बत केसेस की शरह 1.08% रिकॉर्ड की गई। कैनेडा के शहरों मिसिसागा, मिलिटन और हैमिल्टन में फायरिंग के वाकयात, पाकिस्तानी कैनेडियन मोहम्मद शकील और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए, 3 अफराद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला आवर 30 साल शॉन पैट्रिक को हैमिल्टन में हलाक कर दिया गया। रूस से जंग, यूक्रेन ने 6000 मुरबा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। रवा माह जवाबी कार्रवाइयों में मशरकी और जनूब में कई इलाके हासिल किए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का शिमाल मशरकी खारकीफ रीजन में पेश कदमी का दावा। शाहीन शाह अफरीदी रिहैब के सिलसिला में इंग्लैंड में मौजूद, ट्विटर पर कौमी फास्ट बॉलर ने वर्कआउट की वीडियो शेयर की। शाहीन शाह अफरीदी वर्जिश कर रहे हैं। वीडियो के साथ ये भी लिखा कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। और महकमे मौसमियात की कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक मीरपुर खास, ठट्टा, मिठी, उमरकोट, बदीन और थारपारकर में बादल बरस सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी न्यूज स्टूडियो से। फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।